ये उसको ले, बॉडी ले उसको, इधर से ले, ये गेट से ले। क्या मैडम, पुढे आना, पुढे गाड़ी लावतो पुढे। चलो सर सर सर, सेंटर में देखिए, सेंटर में देखिए। आइए चल के आइए, एक मिनट ना, एक फोटो ले। कहीं थोड़ा सा क्लोज दिया ना, ऊपर जा वाला, ऊपर जा, समर लक्ष्य बाला, रिप्लाई तो दे यार। कहाँ पड़े हो यार? मैम यहाँ देखिए, मदर मदर सर सर यहाँ देखिए। हाँ हाँ, उसको बोल के रख, उसको बोल के रख। कम ओके, आ जाओ इधर आओ। थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस ही जा, सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है। बस जोगा कर, बाकी तो सब मागे देख दौर। समर लक्ष्य दोगान सर, वेरी गुड। या कोई अच्छा साग पूरा सगा ना बसो वाला वाला सब कुछ का वाला भी कुछ सब कुछ का ऑडी ऑडी अंदर का नहीं चला ऑडी बिठा दे, कोई खड़े नहीं रहना चाहिए, बिठा दे सबको।
सिंहजी त्यानंतर यांना पद्मश्री देण्यात येईल. आपण सगळ्यांनी शंकरांचं पद आणि दुसऱ्यांदा आपल्याला विनंती करत आहोत. जो लेके आएगी
ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली, हमारी डेट फिक्स थी, उन्होंने हमारे पहले रुक जाओ। ओके माधुरी, क्या कुछ कहना चाहोगे अगर आप अभिजीत की बात करें तो क्या खास बात है अभिजीत की, कोई एक बात अगर शेयर करना चाहें अभिजीत हमारे दर्शकों के साथ, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्या खास लगे अभिजीत में? क्या कुछ कहना चाहूँगी? पहले तो आप सब लोग आए शादी में, काफ़ी धन्यवाद। और काफ़ी लोग आए, मतलब अनएक्सपेक्टेड, इतने लोग एक्सपेक्टेड नहीं थे शादी में, लेकिन बहुत लोग आए, काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, आप लोग तो देख रहे हो काफ़ी भागदौड़ है। और मेरे हिसाब से तो जिस ये दिन का मैं काफ़ी सालों से इंतजार कर रहा था, जब से मुझे मैं मैच्योर हुआ कि मुझे मेरे बहन की शादी करनी है, तो ये दिन का मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था और फाइनली आज दिन मेरे लिए आ गए। और लोगों का कैसा रिएक्शन कैसा रहा राहुल, अगर बात करें लोग आ रहे थे, वेश विशेष दे रहे थे, और लोगों का किस प्रकार का रुझान रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? लोग तो काफ़ी कोऑपरेटिव हुए एक्चुअली, जो जो लोग मुझे मिल के गए काफ़ी खुश हुए, मतलब हल्दी की भी तारीफ की और शादी की भी की है। एक्चुअली हमारा खुद का इवेंट्स का बिजनेस है, तो हमें पता है कि किस तरह होना चाहिए मैरिज एक्चुअली हर चीज़, तो ये सब तो आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली हमारा ही दिमाग है, मतलब हमने इसको आइडियाज़ दिए कि ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी इसमें कॉपरेट कर रहे हैं और इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों ने हमें अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। ओके राहुल, चलते चलते आखिरी सवाल, अब माधुरी की शादी हो गई, अब तुम्हारी शादी कब हम शरीक होंगी तुम्हारी? मैं बहुत जल्दी गुड न्यूज़ दूंगा उसके बारे में। बिटिया की शादी है और आज आखिरी पल है, वो आज अपने कुछ ही पलों में अपने बीच से दूर हो जाएगी, गम हो रहा है, दुख हो रहा है, और क्या कुछ कहना चाहोगे इस अवसर? मैंने परसों भी मीडिया से कहा था कि हर बाप को अपनी बेटी की विदाई के समय दुख होता है, और ये अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी अच्छी है कि बाप हो चाहे माँ हो चाहे भाई हो बहन हो, जो जब अपनी घर की एक लौती बेटी ससुराल चली जाती है तो न रोने वाला शख्स भी रो लेता, उसके आँख में आंसू आ ही जाते हैं, उसको हमारे फिल्मी स्टाइल से कोई केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल होता है। पर एक सुख इस बात का भी होता है कि भाई कि वो उसको तो जाना है, वो अपने ससुराल जा रही है, और ससुराल में जाके जैसे उसने मायके में उतने साल गुजारे हैं, वैसे वो ससुराल में और ज़्यादा अच्छे साल गुजार के ससुराल को भी सक्सेसफुल करे, ये सोच रही थी। और इसलिए हम तो हमेशा हमारे स्पीच में कहते कि भाई बेटे तो सबको होते होते पर बिटिया ज़रूरी है, और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान, जैसे अभी हमारे साथ महिलाएं आप देख रहे हो, ये तो नामी महिलाएं, मशहूर महिलाएं, तो हिंदुस्तान के अंदर हमारी महिलाएं बहुत आगे, मर्दों से चार कदम आगे बढ़ चुकी है, और महिलाओं में बहन बेटी ये सब आते रहते हैं, और स्पेशली बेटी की बात होती है तब दुख तो ज़रूर होता है। और अभिजीत की अगर बात करें तो अभिजीत में क्या खास बात है, क्या आपको लगता है कि हाँ अभिजीत माधुरी का पूरा ख्याल रखेगा, और दूसरी बात कि मतलब किसी भी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी वो उसका साथ देगा, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं या आपको लगता है हाँ ऐसा होगा? देखो ह्यूमन नेचर के हिसाब से एक भरोसे वाली चीज़ होती है, और ये रिश्ता जब हमारे से तय हो गया तो जैसे मेरे संपर्क जो है, मेरा पब्लिक संपर्क आप लोग जानते हो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे किसी के भी बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये डिटेक्टिव या पुलिस का काम नहीं है, पर अपनी जब बिटिया अपन बहाता करने का कोशिश करते तब बिटिया की महफूजी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो हमें पहले से ही जानते थे हमारा प्रस्त क्या है, हम कौन है, हमारी पावर्स क्या, हमारे कॉन्टैक्ट्स क्या है, तो बेचारा है कि अंदर ऐसा हमको कुछ गलत लगा नहीं, यही लगा कि ये हमसे भी अच्छा उनको प्यार करेंगे और एक अच्छा संसार चलाएंगे। द
दादा बहुत सारे सेलिब्रिटी आपके बगल में बैठे हैं, आज रणबीर और दीपिका का भी वहाँ पे बेंगलोर में पार्टी चल रहा है। बेंगलोर में, हाँ बेंगलोर में वहाँ चल रहा है, सेरेमनी चल रही है। क्या शुभकामनाएं आप रणबीर और दीपिका के लिए होंगे? मुझे आज गर्व की बात है ये कि हमारी बिटिया माधुरी की शादी है, उस शादी में हमारे सारे मित्रगण आए हुए हैं और इसी दिन आज जो बैंगलोर नहीं पहुंच पाए थे यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं, एक्चुअली उन सबकी काफ़ी लोगों की फ्लाइट थी दीपिका की और रणबीर की शादी के लिए, पर क्या है कि हो सकता है दादा नाम से जो थोड़ा सा प्यार जुड़ा हुआ है तो प्यार के खातिर इतना सारा ट्रॉपिक ये सब दुनियादारी संभाल के यहाँ पर लोग पधारे हैं माधुरी को आशीर्वाद देने के लिए। पर मैं ये चाहूँगा कि रणबीर और दीपिका की शादी जो आज है उनको भी वो शादी मुबारक हो। हम सब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, सारी मीडिया की तरफ से, मेरे अपने परिवार की तरफ से, और जैसे इंडस्ट्री में हमेशा कहा जाता है कि भाई दूधो ना हो दूधो खोलो, तो वो बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छी फिल्में समाज को दे, अच्छा एक्ट दे और समाज उनको वैसे ही तरक्की पर देखते रहे, बड़ी मुसीबतों से बचाए, हर गलत नज़रों से बचाए और उनका संसार हरा भरा। ये हम सब मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ। जी जी मैम, आप क्या कुछ कहें? तो आज माधुरी का शादी है, क्या कुछ विशेष होगा आपकी तरफ से माधुरी के और क्या बोलते हैं वर वधू को आपकी तरफ से क्या आशीर्वाद होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं माधुरी को, उसके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे यहाँ भी एक गाना याद आ रहा है, बाबुल की दुआ है लेती जा तुझको सुखी संसार में, मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार भी। क्या बात। और अगर लड़की को ससुराल में प्यार मिले तो और क्या चाहिए, बस माँ बाप यही चाहते हैं और कुछ नहीं। एक खूबसूरत महिला आपके बगल में भी बैठी हुई है मोहतरमा मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप माधुरी को, क्या विशेष होगा आपकी तरफ से? मैं विशेष करूंगी कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि लड़की बचपन से दो ही इंसान के साथ जुड़ी हुई है, एक उनके जो फादर होते हैं जो उनको छोटी से बड़ी करते हैं, और उनके बुढ़ापे तक एक उनके जो पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनकी जो आगे की लाइफ है वो इतनी खूबसूरत हो, और आई ब्लेसिंग माधुरी एंड अभिजीत। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार आप लोगों को, तो रवि दादा को बहुत बहुत बधाई, माधुरी को बहुत बहुत बधाई, हमारी बहन। एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, एक लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा पति होना चाहिए जिसमें अपने पिता को देखे, और उसी तरह एक पति की लाइफ में एक ऐसी बीवी होनी चाहिए जिसमें अपनी माँ को देखे। तो यही मेरी सोच है। और रवि दादा जो आप सभी लोग जानते हैं कितने लोगों का साथ दिया है, कितने लोगों को बनाया है, हमेशा खड़े रहते हैं हम लोगों के लिए, तो मैं तो दिल से दुआएं करूंगा कि हमारी बहन माधुरी, जीजा जी, दादा, पूरा परिवार और सबकी बहनें, यार मेरी भी दो बहनें हैं, बस खुश रहें, सुखी रहें। आपके प्रोजेक्ट की जानकारी और दो लाइन अगर गुनगुना दें इस अवसर पर। क्या बात है यार, एक्चुअली ये माहौल ऐसा है कि ये क्या इमोशनल माहौल है, और मैं इमोशनल आदमी हूँ, वैसे ही सॉन्ग हो जाएगा, इमोशनल ही हो जाए, सॉन्ग बल्ले बल्ले हो जाए, और लाइन मैं जरूर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। बाल के पलकों पे बिठा कर जिसको रखा मैंने, बाल के पलकों पर बिठा कर जिसको रखा मैंने, एक शहजादा आया भौरे से फूल समझ कर लेगा। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, थैंक यू। किस प्रकार से शुक्रिया अदा करेंगे लोगों को? जैसे कि मैं तहे दिल से हर वक्त शुक्रिया अदा करता ही रहता हूँ, और मेरे लिए आज का दिन बहुत अनमोल दिन है, और इस अनमोल दिन के अंदर आप सभी लोगों का जो प्यार मुझे मिला है वो मेरे लिए अनमोल से भी अनमोल है। सर आप भी टीवी के जाने माने सितारे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएँ होंगी आपकी? अभी सब लोगों ने जैसा बोला वही है कि आज से मेरी दादा की बेटी एक, हमारी बहन एक नए परिवार में जा रही है, उनको परिवार वैसा ही मिले जैसा अब तक उन्होंने ज़िंदगी जी है अपने पिता के घर। तो आई थिंक दादा ने वो सब कुछ सोच के समझ के उनको एक ऐसा ही परिवार देने की कोशिश की है, और शायद उन्हें वैसा ही मिला भी होगा। एंड बेस्ट लाइफ, बहुत मुबारक कर दूँ, दोनों खुश रहें, एक नई लाइफ अच्छे से जिए, और घर में जाके ऐसा हो कि वो वहाँ जाके दादा को भूल जाए।
आपके प्रोजेक्ट की जानकारी लेना चाहेंगे? वेरी नाइस, इससे हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉरी, शुक्रिया और थैंक्स ये बोलने में आदमी को कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप थैंक्स बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शुक्रिया बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी बोलिए तो प्यार और बढ़ता है, प्यार खत्म होता नहीं। और मेरा प्यार तो आप लोग मीडिया वाले बहुत नज़दीक से जानते हो, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बचपन से हूँ, मैं सोशलिस्ट भी हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, आप लोग तो सभी जानते हैं। लेकिन ये सब आम इंसान बनकर जब मैं चलता हूँ, जैसे मेरा हेलीकॉप्टर का बिजनेस है आप लोग वो जानते हो, तो मैं हवाई जहाज से ज़मीन के ऊपर चलना पसंद करता हूँ और ज़मीन पर ये सारा प्यार मिलता है मुझे। तो यही प्यार है कि सब आए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। इस अवसर पे जैसे सबने बोला कि मैं भी कुछ थोड़ा सुना देता हूँ, ये अभिजीत जी की तरफ से माधुरी जी के लिए। या क्या बात है, ग्रेट। कि तू आदत सी है तू इबादत सी, तू आदत सी है तू इबादत सी है, मैं शहीद हूँ तेरा तू शहादत सी है, कि कैद हूँ ख्यालों में मैं तेरे जो सालों से, तुझे देख लूँ एक झलक तू जमानत सी है, ईद है मेरी तू इनायत सी है, कि पढ़ता रहूँ तुझे उम्र भर तू एक आयत सी है, तू रिवाज है मेरे तू रिवायत सी है। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो उन्हें इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि जितनी जो दादा दे रहे थे उससे लाख गुना ज़्यादा उन्हें खुशियाँ दें और उन्हें इनकी कमी कभी महसूस ना हो। थैंक यू सर। और उनकी आँखों में जो दादा के लिए प्यार है, मैं चाहता हूँ कि वही प्यार वो अपने हस्बैंड के अभिजीत जी की आँखों में वो देखें और हमेशा खुश रहें, बस इतना ही चाहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दादा ने हमें याद किया और बुलाया। लव यू। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।